हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू और सूजी से बनने वाला इंस्टेंट ब्रेकफास्ट। इसे आप इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो आलू लिया है। सबसे पहले हमें इसका छिलका छील लेना है। दोनों आलू का छिलका छीलने के बाद हमें इसे कद्दूकश कर लेना है। चाहे आप मोटी साइड से हो या बारीक साइड से, किसी भी साइड से आप इसको कद्दूकश कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसे पानी डाल के 3 से 4 पानी से हमें इसे अच्छी तरह से धो लेना है, जब तक कि इसका स्टार्च न निकल जाए। अच्छी तरह से पानी से धोने के बाद हम इसे हाथों से प्रेस करते हुए इसका सारा पानी निकाल लेंगे। आप देख सकते हो आलू कितना ड्राई हो गया है। इसके बाद हमें इसमें डालना है 1 कप सूजी, 1 कप दही और प्याज, टमाटर और धनिया को बारीक कट करके इसमें डाल देना है। इसी के साथ अब हम इसमें डालना है नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और 1 हरी मिर्च। इन सबको अब अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें इंस्टेंट फर्मेंट के लिए इसमें थोड़ा सा सोडा डाल देंगे। सोडा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से एक बार और मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो सूजी डाला था वो अच्छी तरह से भीग जाए। इसके बाद हमें इसे बनाने के लिए एक पैन लेना है और उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें डालना है थोड़ी सी राई और 4 से 5 करी पत्ता, और जो मिक्सचर बना के रखा था वो हमें इसमें डाल देना है और चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट एक साइड से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हो कि एक साइड से ये अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसे दूसरी साइड से पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह से पक गया है। हमारा इंस्टेंट ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग स्नैक्स भी आप इसको कह सकते हैं, हमारा तैयार है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। हम इस तरह से इसको पीसेस में कट कर लेंगे। टोमेटो सॉस के साथ या फिर इसको चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं। है ना बहुत ही ईजी और बढ़िया रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।